أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران اسلامی عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی آپ حضرات کی خدمت میں لاہور کی سرزمین پر جسے ہمارے میزبان جناب سید بدر حیدر صاحب سرزمین تفسیر کہتے ہیں شہر تفسیر لاہور میں گزشتہ تین شبوں سے سورہ مبارکہ دہر کی یہ پہلی آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے توقع ہے کہ بیشتر حضرات جو اس مجلس میں ہیں گزشتہ تین مجلسیں انہوں نے سماعت فرمائی ہوں گی جو حضرات ان مجلسوں میں شرکت نہیں کر پائے ہوں گے ربط کلام کے طور پر چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ مبارکہ دہر بھی اپنی جگہ ایک بے پناہ سورہ ہے میں نے گزارش کیا تھا کہ قرآن حکیم کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے بلکہ ہر آیت ایک کتاب ہے ہر حرف ایک کتاب ہے یہ الف لام میم تین حرف نہیں تین کتابیں ہیں الف لام میم را چار حرف نہیں چار کتابیں ہیں حام میم عین سین قاف یہ حروف نہیں یہ کتابیں ہیں بلکہ معمولی کتابیں نہیں ہیں ایک ایک حرف ایک ایک انسائیکلوپیڈیا ہے ایک ایک حرف ایک ایک دائرۃ المعارف ہے وہ بھی قلم انسانی سے لکھا ہوا نہیں کل کے قدرت کا لکھا ہوا دائرۃ المعارف جو ہے کسی انسان کا کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں یہ توجہ ہے کلام حق ہے کلام حق ہے 1400 برس گزر گئے ابھی مسلسل ترجمے ہو رہے ہیں مسلسل تفسیریں لکھی جا رہی ہیں مگر کیا مسلمان علماء علماء اہل قرآن
क्या किसी एक तर्जमे पर मुतमइन हो पाए। पहले इसी एजाज़ कुरानी को देख लीजिए, कुरान मजीद के इस जिंदा मोजज़े को देख लीजिए। एक से एक अज़ीम व शान आलिम, फ़कीह, हकीम, फ़लसफ़ी, अरबी दां, अरबी के उदबा, शुआरा, अरबी ज़बान व अदब के शनावर नक्काद, इन्होंने तफसीर के मैदान में आकर काम किया, कुरान मजीद के तर्जमे किए। बड़े से बड़े आलिम का तर्जमा सामने रखिए और अगर आपको ज़रा सा भी अरबी का ज़ौक है, जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे असल मतन की आयतों की, उसके साथ साथ तर्जमा पढ़ेंगे तो तिश्नगी महसूस होगी। फौरन आपका जहन ये गवाही देगा कि अभी तर्जमे का हक अदा नहीं हो पाया। क्या एजाज़ है, क्या तजल्ली है, क्या तजल्ली है, क्या कैफियत है इन आयतों की। हर साल देखिए कितने नए तर्जमे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस सबब से आ रहे हैं। हर तालिब इल्म तिश्नगी महसूस करता है जब वाज़ेह आयतों की ये कैफियत है। सूरह मुबारक है हम्द, इसमें तो कोई हरूफ मुकत्तआत में से कोई हर्फ नहीं है। सूरह मुबारक है हम्द की के कितने तर्जमे हुए उर्दू में, लेकिन कोई है अभी जो कहे कि हक अदा हो गया। सूरह हम्द का तर्जमा, सूरह हम्द का तर्जमा हक अदा हो गया नहीं। ये कौन सी तिश्नगी है जो बाकी रह जाती है। इसके मानी ये हैं कि आयात कुरानिया में वो मानवी ताबकारी है, वो नूरी और नूरानी रेडिएशन है कि मुसलसल शुआएं निकल रही हैं और किसी में इन शुआओं का इहाता कर लेने की कुदरत नहीं है। अच्छा, जब तर्जमे की सतह पर इहाता नहीं हो पा रहा है, तर्जमे की सतह पर इहाता नहीं हो पा रहा है, तो जो इनके तकवीनी असरात हैं, आपको क्या मालूम कि इन अल्फाज के तकवीनी असरात और आसार क्या हैं। जब तर्जमे में ये मंजिल है कि आप इहाता नहीं कर पा रहे, तो फिर जो तकवीनी असरात हैं, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सूरा सूरह शिफा है, तो आपको क्यों यकीन नहीं आता। भाई इस दौर में बड़े से बड़े मर्ज का इलाज शुआओं से किया जा रहा है। ये कलाम कुदरत है, इसकी नूरानी शुआएं किस मरज का इलाज नहीं हो सकती। तवज्जो है, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, इससे अपनी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करें। सूरह हम्द ये साफ़ और सरीह आयतें, इन साफ और सरीह आयतों का मज़मून सिमट नहीं पाता मुतरजमीन से। तो जो हरूफ मुकत्तआत हैं उनके मुतालिक जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक एक हर्फ नहीं, एक एक किताब है, एक एक किताब नहीं, एक एक दायरतुल मारिफ है। ये आपकी समझ में नहीं आती है बात, तो उन दरों पे जाएं ना कि जहाँ कुरान नाजिल हुआ था। अभी ये आपके शहर के जाने पहचाने, आपके मुल्क के जाने पहचाने, उर्दू के जाने पहचाने शायर हैं, परवरदिगार इन्हें
रिज्क सुखन फरावानी से अता करे, रोज़ ताज़ा रिज्क सुखन अता करे। ये शेर पढ़ रहे थे, अब इनका कोई शेर कोई और पढ़े और उसको मफहूम समझ में ना आए। शेर इनका कोई और पढ़े और उसको मफहूम समझ में ना आए तो इलाज क्या है? सामने की मिसाल दे रहा हूँ, जो बच्चों की भी समझ में आ जाए, जवानों की भी समझ में आ जाए, इलाज क्या है उसका? खुद उनके पास जाएं, भाई आपने ये शेर क्या फरमाया है। गालिब उर्दू के बहुत मुश्किल शायर समझे जाते हैं, जो खुद ही कहते थे गोयम मुश्किल वगर ना गोयम मुश्किल, कहूँ तो मुश्किल है ना कहूँ तो मुश्किल है। लोग समझे कि ये शायरी के बारे में कह रहे हैं। गालिब जवाब दे रहे थे मुखालिफिन का कि जवाब तो है मेरे पास मगर कहूँ तो मुश्किल ना कहूँ तो मुश्किल। और फरमाया आपने, ये कैफियत कभी कभी हम लोगों को मिंबर पे भी हो जाती है, गोयम मुश्किल वगर ना गोयम मुश्किल, कहें तो मुश्किल ना कहें तो मुश्किल। बहरहाल अब ये मानूस और महसूस मिसाल है तकरीब जहन के लिए कि शेर इनका कोई और पढ़े उसकी समझ में ना आए, इलाज क्या है? इन्हीं से पूछें, अगर ये हाथ ना आए, ये गायब हो जाएं, तो फिर पूछा जाएगा ये सलाम कहाँ पढ़ा था इन्होंने, किसके सामने पढ़ा था, मुखातब अव्वल कौन था, इनका कोई डायरेक्ट शागिर्द है कि नहीं है जिसने इनसे ख़ुद ये कलाम लिया हो, जिसके पास इनके हाथ का लिखा हुआ नुस्खा हो, जिसने इनकी ज़बान से सुना हो, जो इनकी सोहबत में बैठा हो, वो बताएगा कि इस शेर में उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था ये शेर, क्यों कहा। ये महसूस मिसालें हैं। अब परवरदिगार का कलाम है, अगर मुफसरीन की समझ में नहीं आता तो फिर अब मैं ये कैसे कहूँ कि जाइए अल्लाह की खिदमत में, अल्लाह की बारगाह में पहुँचिए, पहुँचिए उसी से पूछिए कि या रब तेरा ये कलाम हमारी समझ में नहीं आता। अल्लाह के यहाँ अगर डायरेक्ट पहुँच भी गए तो आप यकीन रखिए अल्लाह फरमाएगा कि जब हमने तुम तक अपना कलाम डायरेक्ट भेजा नहीं तो तुम हमसे मानी पूछने डायरेक्ट कहाँ से। तुमने हमारी बात सुनी थी, हमारी आवाज़ सुनी थी, तुम्हारे दिल पे कलाम नाजिल हुआ है, हैं? किससे सुना तुमने कलाम? क्योंकि मुहम्मद मुस्तफ़ा से सुना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर जाओ उन्हीं से पूछो ना, हैं? वो नहीं मिलते तो उनसे पूछो जो लुआब दहन मुस्तफ़ा के अमीन है, जिन्हें दहन ब दहन, नफस ब नफस, सीना ब सीना इल्म पैगंबर मिला है, जो अमानत दार ख़त्म नबुव्वत हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो क़ुरान के मानी क्या हैं। जब आप उनके दर पे जाएंगे तो आपको मालूम होगा ये गवाही भी हमारे मुफसरीन ने नहीं दी है बल्कि आम्मा के मुफसरीन ने दी है कि सिर्फ ये हा ऐन मीम सीन ऐन मीम हा मीम ये कलिमात ये हरूफ चंद ऐसे हैं कि इनकी तरकीब से, इन हरूफ से पूरा कुरान नहीं, मतन कुरान नहीं, आयात वाजहा नहीं, आयात मुहकमात नहीं, आयात मुतशाबहात नहीं, इन हरूफ मुकत्तआत की मदद से अली इब्ने अबी तालिब क़यामत तक के वाक़ियात बयान करने की कुदरत रखते थे। हा मीम ऐन सीन काफ
इन हरूफ की मदद से अली इब्न अबी तालिब कयामत तक के आने वाले वाकयात बयान करने की कुदरत रखते थे। अब बताइए, एक एक हर्फ एक एक किताब है या एक एक दायरतुल मआरिफ? आशा व कल्ला, हाशा व कल्ला, कभी जो आप ये समझें कि मैं मिंबर से कोई मुबालिगा इस बात कह के गुजर जाऊंगा। ये मुबालिगा आप जब मैंने पहले कहा तो आप मुबालिगा समझे होंगे, आप में से अक्सर मुबालिगा समझे होंगे कि साहब एक हर्फ को एक किताब कह रहे हैं, किताब नहीं दायरतुल मारिफ कह रहे हैं, हैं? एक मुफस्सिर ये गवाही दे रहा है, वो भी वो मुफस्सिर जिसका शुमार आशिकान अली में नहीं होता, वो मुफस्सिर गवाही दे रहा है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम। हामीम ऐन सीन काफ इन हरूफ की मदद से, हे मीम मीम सीन ऐन सीन काफ, ये तरतीब देकर कयामत तक के आने वाले वाकयात, आने वाले वाकयात, जब इन हरूफ से आने वाले वाकयात अली बता सकते हैं तो कुछ हरूफ ऐसे भी तो होंगे कि जिनसे गुज़श्ता वाकयात अली बता सकते होंगे, और जब ऐसे हरूफ हैं कि जिनसे आने वाले वाकयात और गुज़श्ता वाकयात अली बता सकते हैं, तो फिर अगर अमीरुल मोमिनीन का कहीं ये कौल मिल जाए कि मैं माकानो मायकून का इल्म रखता हूं, तो ये मुबालिगा नहीं है। अगर हम ये समझें कि अली माकानो मायकून का इल्म रखते हैं तो मुबालिगा नहीं है, ये उनको दर्जे उलूहियत तक बढ़ाना नहीं है, ये मुबालिगा नहीं हकीकत है। और जब अली का ये रुतबा है तो मुस्तफा का रुतबा क्या होगा? सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले। तवज्जो है, जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन का ये रुतबा है कि वो माकानो मायकून का इल्म रखते हैं, तो फिर खुद आ हजरत जिनके कल्ब मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ, दुनिया आज तक मोहम्मद को न समझ सके। दुनिया तो दुनिया है, मुसलमान आज तक पैगंबर को न समझ सके, मुसलमान आज तक हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नहीं समझ सके। और समझते कैसे, कैसे समझते? हज़रत को समझने के लिए ज़रा रुख आज, अब ज़बान पे जो जुमले आ रहे हैं वो अदा कर रहे हैं। कैसे समझते कुरान, कैसे समझते हुजूर को, कैसे समझते? शान मालूम है हुजूर के साथ रहने वालों की, आप तारीख़ में जो भी लिखिए दिल जिगर थाम के बैठिएगा और ग़ौर से सुनिएगा, हम कहाँ से इल्म कुरान हासिल करें, हम किससे पूछें कि आयात कुरानिया के मानी क्या हैं? यानी हैरत की बात है। यहीं ठहर के मैं अर्ज़ करूँ, आपके मुल्क के एक अजीम शान मुफस्सिर, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तफसीर लिखी, बहुत उम्दा खूबसूरत तर्जमा किया, उसमें जो काबिल मुलाहजा चीज़ें हैं, जो तहफ़ुज़ात हैं मेरे, वो अपनी जगह, लेकिन बहैसियत मजमूई उर्दू अच्छी लिखी, सलीक़े की लिखी, नो पलक से दुरुस्त लिखी, तर्जमा अच्छा किया, तफसीर अच्छी लिखने की कोशिश की, और बहुत से जवानों को बहुत से मतालिब अच्छे उस तफसीर से मिले, लेकिन उन्होंने अपनी तफसीर के मुकदमे में ये बहस कायम की कि कुरान मजीद किताब है, और अगर ये किताब है तो हर किताब का एक मौजू होता है, और अगर ये किताब है तो इसका भी कोई मौजू होगा, तो वो मौजू क्या है?
आप सोचिए 1400 बरस गुजर गए, मुसलमान को ये खबर नहीं है कि कुरान का मौजू क्या है। जाए इबरत है, जाए इबरत है कि 1400 बरस के बाद ये बहस खड़ी हो और उसमें भी इख्तिलाफ किया जाए कि इस किताब का मौजू क्या है, जाए इबरत है या नहीं। 1400 बरस गुजर गया, अरे भाई आज कोई किताब आती है, इधर किताब हाथ में आई, टाइटल पे नज़र पड़ी, मौजू समझ में आ गया, मुसन्निफ पे नज़र पड़ी, मौजू समझ में आ गया, अब भी समझ में नहीं आया, सरवरक को देखा, मौजू को समझ लिया, दो तीन सतरें पढ़ ली तमहीद की, पेश लफ्ज की, मुकदमे की, तारुफ की, समझ में आ गया किताब का मौजू क्या है। ये मुसलमान कुरान मजीद को रटता रहा, दोहराता रहा, और एक एक रात में कुरान ख़त्म करता रहा, दो पाँव पे खड़ा होके कुरान ख़त्म करता रहा, तर्जमे करता रहा, तफसीरें लिखता रहा, 1400 बरस गुजर गए, और फिर सवाल ये है कि अगर ये किताब है तो इसका मौजू कोई होना चाहिए, और अगर मौजू होना चाहिए तो वो मौजू क्या है। और उसके बाद भी मौजू जो मुकर्रर किया उसमें खता कर गए, लिखने वाले ने लिखा कि कुरान मजीद का मौजू है इंसान। ये मैं आपके सामने गुजारिश कर चुका हूं बारहा, अभी दो शब कबल भी ने मैंने अपना जुमला याद दिलाया था, आप सबको ये जुमला याद हो गया है, कुरान मजीद का मौजू इंसान नहीं, कुरान मजीद का मौजू तौहीद है। फरजंदाने तौहीद से ये नुक्ता पोशीदा रह गया, फरजंदाने तौहीद से ये नुक्ता पोशीदा रह गया कि कुरान मजीद का असल मौजू तौहीद है, जाए इबरत है या नहीं। क्यों ये नुक्ता पोशीदा रह गया? इसलिए कि कुरान मजीद लिया किससे, सुना किससे, इसकी तफसीर किससे पूछी, इसका तर्जमा किन लोगों ने किया, उन लोगों ने जिनकी कैफियत यह थी। सबसे ज्यादा तवज्जो कहां होती है इंसान की? मैं इस वक्त आपके सामने एक खाकी खाती गुनाहगार इंसान तकरीर कर रहा हूं, आप हजरात दूर दराज से सिमट के आए हैं एक ऐलान पर कि फलां शख्स खिताब करेगा, आप सुनने के लिए आए, सब हमतन गोश हैं, सब सुन रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होती है कोई एक जुमला भी छूटने ना पाए। मेरे पास बाद में सवालात आते हैं, कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आया, कोई बहस समझ में नहीं आई, कोई नुक्ता समझ में नहीं आया, सवालात आते हैं तो मेरे ही पास आते हैं। अगर मैं तकरीर कर रहा हूँ तो सवाल मेरे पास आने चाहिए। वाज़े है, अगर मैं तकरीर कर रहा हूँ सवाल मेरे पास आने चाहिए, जो आते हैं। कुरान मजीद खुद दो अजीब इबरतनाक मकाम है। मैं कोई तारीख कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की दिलाजारी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के जज्बात को बरंगेख्ता नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा हूँ ज़ईफ़ उस्सनद, जिसकी सनद कमज़ोर हो। मैं कुरान मजीद के दो मकामात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, कुरान मजीद के दो मकामात। कुरान मजीद की तिलावत सबसे ज़्यादा ताकीद के साथ वाजिब है, कहाँ? एक ही जगह तो वाजिब है, नमाज में। इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत मुस्तहब है, महबूब है, पसंदीदा है, ताकीद है इस पर, इसरार है, लेकिन है मुस्तहब। वाजिब कहाँ है? नमाज में। नमाज में कुरान मजीद की तिलावत वाजिब है, और जब आम पेश नमाज तिलावत कर रहा हो तो मामूमीन को हुक्म है कि वो खामोश होकर सुने, और जब रसूल हक तिलावत कर रहा हो, तवज्जो है,
رسول رسول خاتم النبيين امام المرسلين رحمت للعالمين وہ محراب عبادت میں ہے نماز جماعت پڑھا رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے قیام کی حالت میں اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اے رسول جب یہ تجارت کا کارواں دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو نماز میں تنہا چھوڑ کر فرار کر جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رسول نماز میں کھڑے ہیں ارے بھائی میدان جنگ میں نہیں میدان جنگ سے فرار تو سمجھ میں آتا ہے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں مسجد سے نماز سے رسول حق کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر اور کاروبار کے لیے جائیں تو ایک بات بھی ہے آپ یہ آیت لے جائیے اور دنیا کے کسی عربی جاننے والے سے ترجمہ کرا کے لے آئیے لہو کے کیا معنی ہے لہو ارے بھائی میں تقریر کر رہا ہوں یہ چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا ہے ممبر کے پاس باہر کوئی اب یہ الفاظ مجبوراً استعمال کرتا ہوں ممبر کے الفاظ تھوڑی ہیں ممبر کا ڈکشن الگ ہوتا ہے ممبر کی تہذیب الگ ہوتی ہے مجبوراً استعمال کر رہا ہوں کوئی مداری آ جائے وہ بندر کا تماشا دکھانے والا یا بھالو کا تماشا دکھانے والا سرکس دکھانے والا کوئی آ جائے اور وہ آنے سے پہلے ایک باجا بجاتا ہے ڈگ ڈگی بجاتا ہے تاکہ بچے آ جائیں انہیں پتہ چل جائے کہ میں تماشا دکھانا ہے اسے کمانا ہے یہ پرانا دستور ہے یہ پرانا دستور ہے اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر دو طرح کے کارواں آتے تھے ایک تجارت کے کارواں اور ایک تماشے کے کارواں اچھا جب اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی نماز جمعے کی ہو میں بس دست ادب جوڑ کے کوئی میں آپ سے کہہ چکا کوئی تاریخ نہیں کوئی تاریخ نہیں کہ آپ کہیے مورخ جھوٹا ہے کوئی حدیث نہیں کہ آپ کہہ دیجیے یہ حدیث ضعیف ہے قرآن ہے قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں قرآن کی تلاوت کروں نہ کروں قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کروں یا نہ کروں قرآن ہے اور وہ نقل کر رہا ہے مدینے کے واقعات ابتدائے اسلام نہیں ہے جس نے 40 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہوگا کم سے کم وہ اب 50 برس کا ہوگا 55 برس کا ہوگا 60 برس کا ہوگا جس نے مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی بات ہے جس نے 20-25 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہوگا وہ بھی 30-35-40 برس کا ہوگا جس نے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہوگا وہ بھی 20-25-30 برس کا ہوگا بہرحال یہ بچوں کی بات تو نہیں ہے یہ بچوں کی بات تو نہیں ہے اچھا وہ بھی بات کہہ کون رہا ہے اور کہاں نازل کر رہا ہے قرآن مجید اللہ اکبر قرآن مجید میں کون نازل کر رہا ہے حق سبحانہ و تعالی حق سبحانہ و تعالی کا انداز معلوم ہے میں آپ کو ایک روایت ذکر کر دوں ابھی سعود بھائی یہی مضامین آ رہے ہیں ذہن میں تو میں کیا کروں حالانکہ یہ تمہید ہے بلکہ تمہید ہے حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک سارق لایا گیا چور
हज़रत ने उससे पूछा कि तूने क्यों ये गुनाह किया। हज़रत इमाम रऊफ़ थे, रहमदिल इमाम थे, कोशिश करते थे कि जहाँ तक मुमकिन हो गुनाहगारों को मुआफ़ फरमाएं। असल अल्लाह सुबहानहु तआला की हिकमत यही है, उसकी रहमत के तकाज़े यही हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो गुनाहगारों के गुनाहों पे पर्दे डाले जाएं। वो गफ़ारुज़्ज़ुनूब है, गाफिर भी है गफ़ार भी है, वो सत्तारुल्उयूब है, वो कफ़ारुज़्ज़ुनूब है। अल्लाहु अकबर। वो गुनाहों को पे पर्दा डालता है, गुनाहों को मिटा देता है, ऐसा करीम है, ऐसा करीम है। उसने निज़ाम कायनात ऐसा बनाया है कि छोटे मोटे गुनाह इंसान करें तो ख़ुद ब खुद उनके असरात मिट जाएं। रहमत हक, रहमत रब, और फिर उसने अपने रसूल को भी रहमत आलम बना के भेजा, रहमत आलमीन बना के भेजा। समझ रहे हैं आप सब हज़रात जहाँ तक आवाज़ आ रही है, कैसा रब है, कैसा रसूल है, कैसा इमाम है। जब कोई आता था मुजरिम तो आका की कोशिश होती थी कि इसे सज़ा ना दी जाए, यूं ही तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, बरी हो जाए। कहा तूने क्यों ये गुनाह किया। उस वक्त उसने एक और गुनाह कर लिया। देखिए तौबा होती है जब इंसान अपनी तकसीर या कसूर को कबूल कर ले, तस्लीम कर ले, दिल से नादिम हो जाए। उसने एक और गुनाह किया, कज़्ब, झूठ। झूठ का सहारा लेकर, या मौला, या अमीर अल-मोमिनीन, मैंने पहली बार ये गुनाह किया है, मुझे माफ़ फरमा दिए, ये झूठ था। आका तड़प गए, कहा झूठा है तू, तूने ये पहली बार गुनाह नहीं किया है, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन का जुमला, इसलिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने किसी बंदे को उस वक्त तक रुसवा नहीं करता जब तक कि वो किसी गुनाह को मुकर्रर अंजाम नहीं देता। कम से कम 10 मरतबा तू चोरी कर चुका है तब आज तू गिरफ्तार हुआ। जब इमाम ने लहजा बदला तो उसने एतराफ़ किया, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा हाथ काटिए, मुझे मेरी तौबा कबूल कीजिए। अब आप मिजाज समझे, मिजाज मशीयत, जब तक कम से कम जब तक कोई 10 मरतबा एक ही गुनाह मुकर्रर नहीं कर लेता उस वक्त तक अल्लाह रुसवा नहीं करता। अब सोचिए मस्जिद में रसूल को तन्हा छोड़कर कितनी बार गए होंगे जो अल्लाह ने आयत उतार दी। आयत कितनी बार गए होंगे, गोया आदत हो गई थी। इधर रसूल ने आवाज दी अल्लाहु अकबर, तकबीर कही, हम्द सूरा शुरू किया, उधर बाहर तमाशा देखने चले। क्या देखने तमाशा, अरे बच्चे जाए तमाशा देखने तो एक बात है, क्या बात है। अब मैं कुरान पढ़ूं या ना पढ़ूं, कहिए तो बंद कर, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अभी बात छिड़ गई है, आज लगता है आज पूरी तकरीर तमहीद में गुजर जाएगी, हालांकि बहुत अहम मतालिब अभी पेश नज़र हैं, लेकिन ये कुछ कम अहम थोड़ी है। हमें ये जानना है कि हम किससे कुरान सुनें, किससे ना सुने, किससे तर्जुमा पूछें, किससे ना पूछें, किससे तफसीर सीखें, किससे ना सीखें, किससे तावील दरियाफ़ करें, किससे दरियाफ़ ना करें। असलन हुजूर की सीरत किससे पूछें, किससे ना पूछें, किससे पूछें कि हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे, उनसे जो हुजूर को नमाज में छोड़कर चले जाते थे। हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे। मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया कि ये बताइए कि आखिर मुसलमानों में ये इख्तलाफ क्यों है कि नमाज के कई तरीक़े हैं। नमाज के कई तरीक़े राइज हो गए मुसलमानों में,
मैं किसी एक मसला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो एक दर्द दिल है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिल सोजी के साथ, दिल जलता है, दिल तड़पता है, दिल कुढ़ता है इस कैफियत पर मुसलमानों की कि नमाज में भी मुत्तहिद नहीं है। एक गैर मुस्लिम सवाल कर सकता है, ख़ुद मुसलमान बच्चा सवाल कर सकता है कि आखिर हुजूर पाक ने इतने दिनों तक नमाज़ पढ़ी, सब मिलके नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद में, तो फिर देखते नहीं थे हुजूर कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कब बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं, कब आहिस्ता पढ़ रहे हैं, क्या बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं, क्या आहिस्ता से पढ़ रहे हैं, क्या अंदाज है, क्या वज़ा है, क़याम कैसा है, रुकू कैसा है, सुजूद कैसा है, हैं पूरा सूरा पढ़ रहे हैं, आधा सूरा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हुजूर को सब सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। अब यकीनन सुनते होंगे, यकीनन समझते होंगे, मगर यकीन किसका किया जाए, वो फहरिस्त मुरतब कीजिए कि जो इस आयत से खारिज हों। ये एक आयत समझ में आ जाए ना तो नमाज का मसला हल हो जाए, पूरे दीन का मसला हल हो जाए कि भाई जंग के हालात में साथ छोड़कर चला जाना और बात है, हमारा भी दिल दुखता है जंग के हालात में कोई बिलावजह तह तेग हो जाए। अबे जंग के हालात अब क्या पता किसके दिल में नूर ईमान है, किसके दिल में नहीं है, कौन ईमान छुपा कर कुफ्र का इजहार कर रहा है, कौन कुफ्र छुपा कर ईमान का इजहार कर रहा है, कौन किसकी तेग से कत्ल हो जाए वहाँ क्या ठिकाना हो उसका। इसलिए मैदान जंग में तो हर एक के लिए दिल कुढ़ता है हमारा, लेकिन ये मस्जिद है, क़ुरान है, क़ुरान सूरह मुबारक है जुमा, उसकी आखिरी आयत हुआ इज़ा रअउ तिजारतन अव लहवन, और जब ये देखते हैं तिजारत या तमाशा, इन्फ़ज़ू इलैहा, उसकी तरफ चले जाते हैं, व तरकूका क़ाइमा, और आपको क़याम की हालत में छोड़ के चले जाते हैं, रसूल को छोड़ रहे हैं, क़याम की हालत में छोड़ रहे हैं, मस्जिद में छोड़ रहे हैं, और हुजूर क़ुरान की तिलावत कर रहे हैं। जो तवज्जो से क़ुरान ना सुने, जो तवज्जो से हुजूर के साथ नमाज में कायम ना रहे, वो बताएगा नमाज कैसे पढ़ते थे हुजूर, वो बताएगा कि क़ुरान का तर्जमा क्या है, क़ुरान की तिलावत क्या है, क़ुरान की क़रात क्या है, क़ुरान की तफसीर क्या है, क़ुरान की तावील क्या है। ये एक मकाम। दूसरा मकाम, जब हुजूर खुतबा देते हैं, तो ये भी कोई हदीस नहीं, कोई तारीख नहीं, क़ुरान में कुछ लोगों का तज़किरा है कि जब रसूल की बज़्म से निकलते हैं तो वो पूछते हैं एक दूसरे से, माज़ा क़ाला आनिफ़न, ये अभी क्या कह रहे थे। दोनों मकाम कुरान के हैं ना, जो न अल्लाह की बात सुने न रसूल की, उससे न कुरान लिया जा सकता है न हदीस। अब जब भी कोई तफसीर का नुक्ता नकल किया जाए या कोई हदीस, तो हमें इल्म रिजाल, इल्म दरायत, तफक्कुह की राह में परखना पड़ेगा ये किस फहरिस्त में है। ये एक रिवायत सुनते जाएं इसी जिम्न में कि एक मर्तबा मस्जिद से सब चले गए, जैसे चले जाते थे, सिर्फ 8 अफराद रह गए। तो हुजूर ने एक जुमला कहा, अगर आज ये 8 भी बाकी न रह जाते तो मदीने पे अल्लाह आग बरसाता, यानी अजाब नाजिल हो जाता। तो अब करीब तरीन जो अफराद हैं वो 8 जो किसी हालत में छोड़ के नहीं गए, वो बताएंगे ना कि हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे, हुजूर तिलावत कैसे करते थे, हुजूर बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से तिलावत करते थे या आहिस्ता करते थे या नहीं करते थे। वाह
नमाज में हजरत की वजह कैसी होती थी, नमाज में हजरत का अंदाज कैसा होता था, नमाज में हजरत का खुशू क्या होता था, नमाज में हजरत का खुजू क्या होता था, हजरत के कयाम की शान क्या होती थी, रुकू की शान क्या होती थी, सजदे की शान क्या होती थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे कोई कुरानी नुक्ता हो, चाहे कोई हदीसी बयान, चाहे कोई कुरानी नुक्ता हो, चाहे कोई हदीसी बयान, हमें देखना पड़ेगा रिजाल हदीस कौन है। क्या रिजाल वो रिजाल हैं जिन्हें कुरान रिजाल कहता है, है? बारह यहाँ तक सिर्फ एक बात कहने के लिए मैंने जहमत दी थी अपने उस बयान के इस्तदलाल में कि जब हम कहते हैं कि कुरान मजीद की आयतें बेपनाह हैं, जब हम कहते हैं कुरान मजीद के हरूफ हर्फ नहीं किताबें हैं, किताब नहीं दायरतुल मारिफ हैं, जहान मानी कायनात मानी सिमटा हुआ है, सिमटी हुई है एक एक हर्फ में, एक एक जहान मानी सिमटा हुआ है एक एक हर्फ में, तो ये मुबालिगा नहीं है। कुरान मजीद कलाम हक कलाम अल्लाह सुबहानहु व तआला के एजाज का बयान है, सच्चा बयान है, हकीकी बयान है, मगर इस बयान की तस्दीक तब होगी जब कुरान उनसे सुना जाए जिनके घर मलाइका का आना जाना था, जिनका मकान मुख्तलफुल मलाइका यानी जहां मलाइका आते जाते थे। और ये बात कहां की है, किस किस ने तस्दीक की है, किस किस ने तस्दीक की है, जब्त कीजिएगा, अभी सिर्फ हवाला दे रहा हूं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो सलाम ने तो फरमाया ही है, जब दुरूद पढ़ें तो बुलंद आवाज से दरूद, हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम और उनके असहाब, उनके असहाब फरमाते हैं मेरे घर में, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे घर में अभी तक आसार बाकी हैं जिब्राइल के आने जाने के। दौरे पैगंबर में जिब्राइल जब आते थे उसके आसार वैसे तो हमेशा आते रहे, कभी इस घर में जिब्राइल का आना मुनक़ते नहीं हुआ, इस घर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना मुनक़ते नहीं, ये बताएंगे कि कुरान क्या है। जब दरे इल्म तक जाएंगे, उस आली तक जाएंगे जिसने बराह रास पैगंबर से कुरान लिया, और पैगंबर को हज़रत हक सुबहानहु व तआला का की सिफारिश थी कि मोहम्मद अली से कोई राज छुपा के न रखना, इसलिए कि उससे कोई राज पोशीदा नहीं है। ये हदीस है, ये हदीस है, और ये इसलिए थोड़ी हदीस है कि नऊज़ बिल्लाह आप सोचेंगे पैगंबर कुछ छुपाना चाहते थे इसलिए अल्लाह ने कहा कुछ ना छुपाना, ये अमीरुल मोमिनीन के मरातिब को बयान करने के लिए, ताकि बात वाज़े हो जाए। ये हस्तियां बताएंगी कि कुरान क्या है, कुरान के मतालिब क्या है। ये सिर्फ तमहीद में अर्ज़ कर रहा था ताकि आप ये गौर फरमाएँ कि अगर मैं सूरह मुबारक दहर की पहली आयत पर गुज़िश्ता तीन शबों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अभी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके मतालिब ख़त्म नहीं हुए, अभी लफ्ज़ दहर की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। दहर यानी क्या, क़ुरान मजीद जब कहता है हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा, क्या कोई ऐसा लम्हा भी इंसान पर आया है, गुज़रा है कि जब इंसान ज़र्फ़ दहर में काबिल ज़िक्र भी न था। तो जब कुरान ये कह रहा है बंदाज़े सवाल, तो ये मैं गुजारिश कर चुका आप हजरात से कि सवाल का अंदाज़, इस्तफ़सार का अंदाज़, इस्तफ़हाम का उसलूब, क्वेश्चन का स्टाइल वहाँ इख्तियार किया जाता है जहाँ जहन को बेदार करना हो, तालीमी ज़रूरत के तहत जहन को बरंगेख्ता करना हो, बेदार करना हो, होशियार करना हो, तनब्बुह की कैफियत हो, गफलत से
نکالنا ہو, تاکہ سوچو, تم خود سوچو, تحقیق کرو. اب جب انسان سوچے گا, 21ویں صدی کا انسان, 21ویں صدی کا سوچنے والا ذہن, جب فزکس پڑھنے والا نوجوان, ایسٹرو فزکس پڑھنے والا جوان, کاسمولوجی میں کام کرنے والا جوان یہ پڑھے گا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تو وہ سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ سوچنا چاہیے, یہ سوچنا عبادت ہے. ہمارے جوانوں کا یہ سوچنا عبادت ہے, کاسمولوجی میں کام کرنا عبادت ہے, ایسٹرو فزکس میں کام کرنا عبادت ہے, ایسٹرو بایولوجی میں کام کرنا عبادت ہے. سن رہے ہیں آپ؟ عبادت ہے عبادت, یہ سب تفسیر قرآن کے ابواب ہیں. تمام ایسٹرو فزکس تفسیر قرآن ہے, تمام ایسٹرو بایولوجی تفسیر قرآن ہے, تمام جیولوجی تفسیر قرآن ہے, تمام کاسمولوجی تفسیر قرآن ہے, تمام اینتھروپولوجی تفسیر قرآن ہے. جستجو کرو انسان کا وجود کب سے ہے, جستجو کرو انسان کا وجود کب سے ہے, تلاش کرو انسان کے آثار. اور ایک جملہ کہوں گا, ایک جملہ, ابھی تک سائنس کی دنیا زمین پر اور زمین کی تہوں میں انسان کے نقش قدم ڈھونڈ رہی ہے. ابھی نگاہ اوپر اٹھی نہیں, ورنہ مقام قاب قوسین تک نقش قدم بشر نظر آ جائیں گے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بس اب چند جملے عرض کروں گا تاکہ کل اور پرسوں کی تقریر کے لیے تمہید قائم ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا جو باتیں میں نے کہی ہیں, اور آج سے ہمارے جوان جو سائنس اور میتھمیٹکس کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, وہ سائنس پڑھیں گے کس نیت سے؟ قربتاً الی اللہ. اور کیا, ہاں, یہ جو جدید تعلیمی نظام ہے یہ آپ کو صرف کیریئر کے بارے میں سجھاتا ہے باتیں کہ صاحب یہ کورس کر لو گے تو فیوچر یہ ہے, اتنا کماؤ گے. بالکل پہلے دن سے ذہن میں یہ ہوتا ہے, ہم یہ پڑھیں گے, یہ کورس کریں گے تو یہاں ہمارا پلیسمنٹ ہوگا, یہ ہم کمائیں گے, اتنی ہماری ارننگ ہوگی. ٹوٹل گول ٹارگیٹ, بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, یہی ہوتا ہے نا. مال دنیا تو آپ کی ٹھوکروں میں رہے گا, کہیں جا ہی نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا مال دنیا. آپ جب قربتاً اللہ علم حاصل کریں گے تو یہ جہان بھی تسخیر کریں گے, وہ جہان بھی تسخیر کریں گے, اور رضائے حق حاصل ہوگی. رضائے حق, رضائے اللہ, رضائے مصطفیٰ, رضائے مرتضیٰ, رضائے زہرا سلام اللہ. آپ جیسے, بالکل میرا جملہ یاد رکھیے گا, کوٹ کیجئے گا, کوئی اعتراض کرے گا میں جواب دینے کے لیے ابھی تو زندہ ہوں ہی. جس طرح آپ قرآن مجید پڑھیں قربتاً اللہ, جس طرح آپ احکام شریعت پڑھیں قربتاً اللہ, جس طرح آپ حدیث پڑھیں قربتاً اللہ, اسی طرح آپ فلسفہ پڑھیں قربتاً اللہ, آپ لاجک پڑھیں قربتاً اللہ, آپ میتھمیٹکس پڑھیں قربتاً اللہ, آپ فزکس میتھمیٹکس بایولوجی تمام سائنسز پڑھیں قربتاً اللہ, پھر دیکھیے جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ رزق جاں بنے گا. پھر آپ کے اندر کا اصلی انسان پروان چڑھے گا, وہ انسان جس کی روح میں وہ تابکاری ہوگی کہ جدھر نظر اٹھائے گا دنیا کو مسخر کر لے گا. آپ اپنے کو ایک حقیر وجود کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا وجود, ایک حقیر جرسومہ, ایک مادی پیکر, چھوٹا سا نادیدہ,
भारी भारी इस्तिलाहें मेरी ज़बान से सुनने के आप आदी हो गए हैं, अब हल्की फुल्की ज़बान भी सुनने के आदी हो जाइए, ऐसी ही कि जो बच्चे हंस हंस के याद करें कि मिंबर से मौलाना ने ये कहा था, लेकिन उसमें दर्स भी है। एक साहब ने मुझसे पूछा, संजीदगी से, मेरे दोस्त हैं जनाब अज़ीज़ ज़ैदी साहब, वो आए ख़ास तौर से घर पे कई सवालात लेकर, और उन्होंने ये सवाल रखा कि मौलाना ये बताइए, इतनी बड़ी कायनात, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी कायनात, दूरबीनें कायनात की सरहदों का तायुन अब तक नहीं कर सकी, ना कर सकती हैं, इसलिए कि मालिक कायनात मुसलसल कायनात को वसी करता चला जा रहा है। जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचेगी, नजर थक जाएगी, कायनात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए कि कायनात हय्यो कय्यूम की तखलीक है, वो जिंदा है, कायम बिज़ात है, और हर चीज को वो साथ आता फरमा रहा है। तो आप इसे इस कायनात मादी की भी तस्खीर नहीं कर सकते, चे जाए के कायनात बातनी और मानवी और मावराई। तो उनका इतनी बड़ी कायनात, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इस इंसान को क्यों दी गई, ये छोटा सा वजूद नादीदा, रास्ते में खड़ा हुआ इंसान बीच सड़क पे या बड़े चौड़े खुले मैदान में कोई इंसान एक खड़ा हो, आप हेलीकॉप्टर पे या हवाई जहाज़ पे ज़रा सा बुलंदी पे चले जाएं तो वो इंसान नज़र आएगा, नज़र भी नहीं आएगा, और जहाँ तक नज़र आएगा कितना छोटा नज़र आएगा, हशरातुल अर्ज़ की तरह। उनका ये इंसान, इसको अहमियत दी गई। तो ज़ाहिर है घर में ड्राइंग रूम में गुफ्तगू हो रही थी, जिसे आप टेबल टॉक कहते हैं, तो मैंने कहा कि बहस तो बहुत बड़ी है, मगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, अकल बड़ी के भैंस। अब ये बच्चे दोहराते रहेंगे कि ये भी ज़रबुल मसल कोई मिंबर से कहने की थी, हैं? मैंने कहा अकल बड़ी के भैंस, वो मुस्कुराए, कहने लगे जी अकल, मैंने कहा ये कायनात है भैंस, इंसान है अकल। ये पूरी कायनात मादा है, मादा मादा मादा, बेजान मादा, बेअक्ल मादा। इंसान के पास हक सुभानहू व तआला ने जौहरे अक्ल अता फरमाया है, इसलिए ये इंसान है मैं। तो आप अपने वजूद की कदर व कीमत समझें। और अब दूसरा जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि अपने को छोटा सा वजूद ना समझें, आपके बाहर की कायनात छोटी है, आपके अंदर की कायनात बहुत बड़ी है। जवानान अजीज, बुजुर्गान मोहतरम और मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं तो सुनें और याद रखें कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को क्या सिखाना है, क्या बताना है। आप बच्चों की तरबियत इस तरह करें, इन्हें बताएं कि ये जो तुम्हें बाहर नज़र आ रही है कायनात, ये सैारे, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये अफलाक, ये सब कायनात असगर है, ये छोटी दुनिया है, तुम्हारे वजूद के अंदर इससे बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है। ये जो सात आसमान है ये कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर जो आसमान पोशीदा है इंसान के अंदर, अपने गरेबान वजूद में झांक के देखिए आपके वजूद के अंदर कितने कितने आसमान पोशीदा हैं। आपका जाहिर बहुत हसीन है, लेकिन आपका बातिन इससे ज्यादा हसीन है, बशर्ते के बाहर की दुनिया की कुदूरतों में आलूदा ना हो गया हो। और उस बातिन का बातिन उससे ज्यादा हसीन है, उस बातिन का बातिन उससे ज्यादा हसीन है, उस बातिन का बातिन उससे ज्यादा हसीन है। ये जहूर और बुतून का नामुतनाही सिलसिला है जो आपके वजूद में सिमटा हुआ है, आपके वजूद में इंसान 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 के वजूद में सिमटा हुआ है। इस इंसान से कहा जा रहा है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दर। आप समझ रहे होंगे ये सब बहसें गैर मुतालिक हैं, इस सूरे का नाम सूरे इंसान है।
जब इस सूरह का नाम सूरह इंसान है तो लफ्ज इंसान के मानी तो समझ में आए। जब इस सूरह का नाम सूरह दहर है तो लफ्ज दहर के मानी तो समझ में आए। तवज्जो है, तो इंसान और दहर दोनों मानी पे अभी और गौर करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आज गालिबन वक्त तमाम हुआ चाहता है, बल्कि शायद तमाम हो चुका है। इसलिए मैं एक गुजारिश कर दूं कि अगर आप जो बहसें मैंने की हैं आपके जहन में हैं कि ख़ास तौर से लफ्ज़ दहर, लफ्ज़ दहर को समझने के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि इस मुसल्लस को समझने की ज़रूरत है। कौन सा मुसल्लस? ज़मान दहर सरमत। लफ्ज़ सरमत भी कुरान मजीद में है, सूरह मुबारक क़सस में है। قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ। कभी तुमने सोचा है, ए रसूल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, अरअईतुम क्या तुमने सोचा है, तुमने देखा है, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल्लैल सरमदा, अगर अल्लाह इस रात को सरमदी बना दे। सरमद यानी हमेशा रात ही रहे, रात ही रहे, इलल अबद रात ही रहे, तो वो कौन है अल्लाह के अलावा कोई माबूद जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए। ये कुरान मजीद की आयत है। लफ्ज़ सरमद से आशना हुए आप? अरअईतुम, कुल अरअईतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल्लैला सरमदा, लफ्ज़ सरमद। इसी के बाद वाली आयत है, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ। कौन है? अगर कह दीजिए कि कभी तुमने गौर किया है, कभी तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह हमेशा इस दिन को सरमदी बना दे, ये दिन सरमदी हो जाए हमेशा इलल अबद, तो फिर कौन है माबूद बरहक के अलावा कोई माबूद जो तुम्हारे लिए सुकून की रातें लाए। तवज्जो है, तो लफ्ज सरमद कुरान मजीद में मिला आपको। लफ्ज दहर भी दो मकामात पर, सूरह जाथिया और सूरह दहर में आया। तो जब ये दो कलिमात आए हैं तो दोनों के मानी समझने पड़ेंगे या नहीं? सरमद दहर और उसके बाद जमान या वक्त। मैंने गुजारिश की थी और उस पर एक जहीन साइंस के जानने वाले बेदार मग़्ज़ शख्स ने सवाल किया कि आपने तीन इस्तिलाहें बता दी, हमने कबूल कर लिया, मजमे ने सुन लिया, लेकिन ये इस्तिलाहें कहाँ से आई, इनकी हकीकत क्या है? तवज्जो रखिएगा, जो लोग फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं बतौर ख़ास, जो लोग आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करते हैं बतौर ख़ास, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, जहाँ स्पेस टाइम की बहस होती है, वहाँ जाकर सोचिएगा कुरान मजीद ने कौन सा कंसेप्ट ऑफ टाइम दिया है। खुद टाइम को साइंसदान आज तक इस कायनात मादी का फोर्थ डायमेंशन करार दे रहे हैं, है ना, बज़ाहिर जिस पर इत्तेफाक है। बाकी जो इख्तिलाफी बातें हैं अपनी जगह, आप कहते हैं सिर्फ दीन में इख्तिलाफी बातें, क्या साइंस में इख्तिलाफी बातें नहीं हैं? वो इस वक्त को इस कायनात का फोर्थ डायमेंशन करार दे रहे हैं। कुरान मजीद तीन तरह के वक्त को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब कितने डायमेंशन हो गए? जमान, दहर, सरमद। मैंने अर्ज किया था जमान वो जो मुतगैरात की दुनिया है, जहां एक मुतगैर शय दूसरी मुतगैर शय से निस्बत रखती है, वो है जमान। जहां साबित अशिया एक दूसरे से निस्बत रखती हैं, वो है सरमद।
जहाँ साबित और तगैयर का रिश्ता कायम होता है वो है आलम दहर, वो है विआए दहर। मिसाल मैंने दी थी कि विआए दहर को देखना हो, यानी अगर इसे देखना हो कि आलम जमान से निकलकर कोई आलम दहर में जाकर किसी से मुलाकात कर रहा है, रब्त कायम कर रहा है, इल्मी रियाजियाती बहस अपनी जगह, फिजिक्स की बहस अपनी जगह, मुशाहिदे की बात अगर करना हो तो मेराज मुस्तफ़ा देख लो, मस्जिद अक्सा में शब मेराज जाकर देखो कि दायरे जमा से मुस्तफ़ा आते हैं और वहाँ कौन कौन खड़ा हुआ नजर आता है, आदम है, नूह है, इब्राहिम है, मूसा है, ईसा है, तमाम अंबिया हैं और पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं। तवज्जो है, ये अर्ज कर चुका था ना मैं आपसे। जब यहां तक बात आ गई तो अब एक नुक्ता जिक्र करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। इधर से पैगंबर गए, किसी मुसलमान को शुबा तो नहीं है ना, उधर से कौन आ गए, तमाम वो अंबिया जो हिसार जमा से निकल चुके थे। वाज़े है ना बात, हम जब तक सांस ले रहे हैं हिसार जमा में, इधर सांसें बंद हुई, आपने हमारे जिस्म को गौसल देकर कफन देकर पैबंद खाक कर दिया, अब हम हिसार जमा में हैं या नहीं, अब हम हिसार जमा में नहीं है। ज़मानो मकान से हमारी रूह आज़ाद हो गई। ज़मानो मकान के शराइत कुछ और होते हैं, ये ज़मानी और मकानी शर्त है कि एक ज़मान में एक शख्स एक ही जगह होगा। आज साइंस की बुनियाद पर समझ के उठिएगा हकीकत मेराज और मसाइल मुअज्जज़ात। ये ज़माने की शर्त है, इस वक्त हम हिसार जमा में हैं तो इस वक्त हम सिर्फ लाहौर में मजलिस पढ़ सकते हैं और इस वक्त लाहौर के अलावा कहीं मजलिस नहीं पढ़ सकते, एक मेंबर पे पढ़ सकते हैं, एक मेंबर के अलावा हम मजलिस नहीं पढ़ सकते। हिसार जमा है, हिसार मकान है, ये हिसार, ये कैद, ये शर्त, ये कंडीशन इस हिसार जमानो मकान की है। लेकिन जब हम हिसार जमानो मकान से निकल जाएंगे, आलम दहर में पहुंचेंगे, तो वहां ये कैदें, ये शर्तें, ये दीवारें, ये हिजाबात, ये पर्दे हट जाएंगे। उस वक्त एक वक्त में, एक ही आन में हजार मेंबर नस्ब कर दो तो हम जिक्र करेंगे। गुफ्तगु हकीमाना बुनियादों पे हो रही है, गुफ्तगु बुरहान और इस्तेदलाल के साथ हो रही है। तवज्जो है, 1000 मेंबर नस्ब कर दो, हर मेंबर पे हम होंगे, इंशाल्लाह होंगे। अच्छा तो ये हिसार है, अच्छा दलील, दलील अच्छा ज़ाहिर है बगैर आपको हक है दलील तलब करने का और मुझ पर फ़र्ज है दलील पेश करना। खुद एक रिवायत, ये जैसे हिसार दहर और उसके बाद हिसार सरमद, ये सब बातें समझनी क्यों ज़रूरी हैं। लोग कहेंगे जनाब वाला, कुछ लोग हो सकता है मेरे हम कबीला, मेरे हम कबीला हैं, वो कहेंगे जनाब वाला ये हौज़ इल्मिया की बातें, ये फ़लसफ़े की क्लास की बातें, ये इल्म कलाम की बातें, ये मिंबर पर लेके आप बैठते हैं इन अवामुन नास को समझाने के लिए। अव्वलन तो मुझे ये तबसरा बहुत ग्रां गुजरता है, आप इन अवामुन नास को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। दूसरी बात यह है कि बुनियादी मसाइल को समझने के लिए, आखिरत समझनी है या नहीं, जन्नत को समझना है या नहीं, क़यामत के मसाइल समझने हैं या नहीं, सिरात समझना है या नहीं, मीज़ान समझना है या नहीं, बरज़ख समझना है या नहीं, एतिकाद रखना है, यकीन रखना है या नहीं रखना है, तो ये बहसें भी आनी चाहिए। हिसार दहर और हिसार सरमद, ये आखिरत की बातें वहाँ हैं, तवज्जो रखिएगा। बस चंद जुमले, ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आज तवील तकरीर की है तो कल भी करूं,
कल मुख्तसर हो जाएगी, आज तवील होगी कल मुख्तसर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये मसाइल अहम है, जिस उफुक पे गुफ्तगू हो रही है इस उफुक तक साथ देने की कोशिश करें, बल्कि आपके उफुक तक, आप अपने उफुक तक मुझे ले चलने की कोशिश करें, मजलिस के उफुक तक मुझे ले चलने की कोशिश करें। मजलिस एक ख़ास उफुक तक पहुंच चुकी है, बात हिसार जमा से निकल के हिसार दहर तक पहुंच चुकी है। इसलिए कि मिसाल आपके सामने, कोई मुसलमान मुहद्दिस इनकार नहीं कर सकता कि हुजूर ने फरमाया कि जब मैं मस्जिदुल अक्सा में पहुंचा तो तमाम अंबिया मौजूद थे। तवज्जो है, तमाम अंबिया मौजूद थे। अंबिया कहाँ थे उस वक्त? दुनिया में तो थे नहीं। इस वक्त फ़र्ज़ कीजिए कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो मस्जिद अक्सा में, और उसमें दुनिया भर के उलमा को दावत दी जाए, भाई अमेरिका से और कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से और इराक से, ईरान से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, तमाम दुनिया से, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब जगहों से हवाई जहाज़ के ज़रिए से सब पहुँच जाएँ। इसलिए पहुँच जाएँगे कि इसी दुनिया में हैं, इसलिए पहुंच जाएंगे कि इसी दुनिया में हैं। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस जो अल्लाह ने बुलाई थी, और कोई मसलक ऐसा नहीं है जो इनकार कर सके, सबके यहां यह हदीस मुसल्लम है, फवाइल मुस्तफा सुने, सारे मसालिक में यह हदीस मुसल्लम है कि हुजूर मेराज की शब शब इसरा मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ ले गए, बैतुल मक़दिस में तशरीफ़ ले गए, वहाँ तमाम अंबिया थे। ये अंबिया कहाँ से आए? फिलिस्तीन से, कनान से, मिस्र से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, हिजाज से? नहीं, ये अंबिया कहीं और थे। इसलिए कि इनके जिस्म सब दफन किए जा चुके थे, माँ सिवा जनाब ईसा, जनाब ईसा को भी अल्लाह ने ऊपर उठा लिया था, उन्हें भेजा, थे कहीं और ना, भेजे गए। इधर से मुस्तफ़ा गए, वो कहाँ गए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उधर से अंबियाए इमामत सरकार ने फरमाई, ये सरकार की फजीलत है, इसीलिए हम हुजूर को इमामुल मुरसलीन कहते हैं। ठीक है ना? जब बात यहाँ तक समझ में आ गई तो एक कदम और आगे बढ़िए। अब हुजूर और आगे गए, हुजूर और आगे गए, हुजूर और आगे गए। अब एक मंजिल वो आई जहाँ हुजूर हैं और हजरत हक जिब्राइल वहाँ नहीं हैं, मगर गुफ्तगू हो रही है। हुजूर अपने जिस्म मुबारक के साथ हैं, हुजूर अपने जिस्म मुबारक के साथ हैं, गुफ्तगू हो रही है, तवज्जो रहे, गुफ्तगू हो रही है। और जब गुफ्तगू हो रही है तो फिर मसला पैदा होगा कि कलाम खल्क हो रहा है, हरूफ अदा हो रहे हैं, अल्फाज अदा हो रहे हैं। हरूफ और अल्फाज के अदा होने के लिए मखारिज शर्त हैं, मखारिज शर्त हैं। ये मखारिज बग़ैर मकाते व मखारिज के हरूफ अदा नहीं हो सकते। हुजूर अपने जिस्म के साथ तशरीफ़ ले गए हैं, ये गोश मुबारक हुजूर के सुन रहे हैं कोई आवाज़। और अल्लाह सुबहानहु व तआला जिस्म नहीं रखता, अल्लाह सुबहानहु व तआला के हलक नहीं है, अल्लाह सुबहानहु व तआला के पास जबान नहीं है, अल्लाह सुबहानहु व तआला के पास ये दांत, ये जबड़े, ये होंठ, ये मखारिज हरूफ, ये हलक, ये नहीं है। इसलिए सौत की तख्लीक, कलाम की तख्लीक बराह रास ज़ात अहदियत से खिलाफ शान वहदानियत है, और जब खिलाफ शान वहदानियत है तो फिर गुफ्तगू हुई किस जबान में, गुफ्तगू हुई किस लहजे में? यहां फिर यह मसला
ये जमानों दहरो सरमत के हिजाबात हायल न थे। आप सब मेरे साथ मिलकर नारा मारे, मैं किबला साहब से इजाजत लेके नारा मार रहा हूँ और आपकी आवाज इंशाल्लाह ताला करबला तक जाएगी। और ब्रत आवाज से नारा मारे, नारे बहसें कितनी कलीदें आपके हाथ में दे देती हैं। ये रिवायत जब आपके सामने आएगी, ये रिवायत, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, हुजूर ने कहा मेरी अल्लाह से गुफ्तगू हुई और मैं जिस्म के साथ गया था और जिब्राइल ने मेरा साथ छोड़ दिया था। अब जो लोग ये सोचते हैं कि जिब्राइल तशरीफ लाते थे तो हजरत पे नऊज़ बिल्ला एहसान फरमाते थे, वो बताए हैं क्या यहाँ तो जिब्राइल थे नहीं दरमियान में? अगर दो बुजुर्ग हस्तियां बराहे रास राजो नियाज करती हों तो उन्हें किसी तीसरे पयाम्बर की जरूरत नहीं होती। फिर अगर किसी को पयाम्बर बना लिया जाए तो कोई हिकमत और मसलहत होगी, उस पयाम्बर बनने वाले को शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह और मुस्तफा बराहे रास्त बिला फासल गुफ्तगू कर सकते हैं तो फिर किसी की जरूरत है नहीं है। अगर किसी को दरमियान में वासता बना लिया जाए तो लुत्फ ही तो है, करम ही तो है, एहसान ही तो है, कोई हिकमत है, कोई मसलहत है, मजबूरी नहीं है। हिकमत है, मसलहत है, मजबूरी नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दरमियान में होना जिब्राइल के लिए शरफ है, न के मुस्तफा के लिए। जिब्राइल के लिए शरफ है, न के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अब ये हदीस हुजूर से है, मैं यहाँ इसी मिंबर पे जब मेराज का बयान कर रहा था तो पढ़ चुका था, लेकिन ये इस्तिदलाल उस वक्त मैंने जिक्र नहीं किया था। ये जमानो दहरो सरमद, ये ट्रिलॉजी, ये टाइम की ट्रिलॉजी, ये तसलीस वक्त, ये मैंने जिक्र नहीं की थी उस वक्त। इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बहुत दकीक फ़लसफ़ा है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इससे इस दुनिया के भी मसाइल हल होंगे, उस दुनिया के भी मसाइल हल होंगे और अकली और हकीमाना मबाहिस हल होंगे, तय होंगे। कलीद आपके हाथ में आएगी। इस बहस को सब्र और सुकून से जाकर हुकमा से दरियाफ़ कीजिए, सीखिए, पढ़िए। जो कुछ ये तालिब इल्म इशारात कर रहा है उसे याद रखिएगा कि ये तसलीस है, जमान दहर सरमद। हुजूर भी सरहद जमा से निकल के गए थे, एक कड़ी बीच में रह गई। अभी मैंने कहा था कि आलम दहर में हज़ार मेंबर नस्ब हों तो मैं होऊंगा उस पर, है ना? लेकिन आलम जमान में ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा था आप मुझसे दलील तलब करें, आपने दलील तलब नहीं की, वाह वाह शुरू कर दी। तो ये बात भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एक ही चीज़ कई जाविये से जिक्र में आती है। सिर्फ एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊंगा इसलिए कि मेरी ताकत साथ छोड़ रही है, लेकिन जब एक बहस चलती है तो जी चाहता है कि वो बहस मुकम्मल हो जाए।
एक हदीस है मोतबर सनद के साथ। फरमाया गया उस हदीस में कि पहले लोग ख्वाब नहीं देखा करते थे, ख्वाब उसूल काफ़ी में ख्वाब नहीं देखते थे, सोते थे तो बस सो जाते थे, ख्वाब नहीं देखते थे। जब आखिरत का इनकार बढ़ा तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अज़बाब लुत्फ़ मसाइल आखिरत पे बुरहान कायम करने के लिए ख्वाब दिखाना शुरू किया, ख्वाब की हिकमत, ताकि तुम ख्वाब देखो तो इस जहान के अलावा किसी और जहान का तसव्वुर कायम हो जाए। तवज्जो है, तवज्जो है, अच्छी तरह तवज्जो है। इससे पहले मैं ख्वाब पर भी गुफ्तगू कर चुका हूं, मगर इस एंगल से, इस जाविये से नहीं की थी मैंने गुफ्तगू। आप ख्वाब देखते हैं, आंखें बंद होती हैं, आप ख्वाब देखते हैं और उसमें सुनते हैं, आपके ये जाहिरी कान काम नहीं कर रहे होते। आप ख्वाब में गुफ्तगू करते हैं मगर आपका दहन बसता होता है, लब आपके बंद होते हैं, होंठ सिए हुए होते हैं, आप सो रहे होते हैं। आप कुछ तनावुल फरमाते हैं, उसकी लज्जत भी महसूस करते हैं, मगर हकीकत में आप दस्तरखान पे नहीं, बिस्तर पे होते हैं। हैं? ये जो आप ख्वाब में देख रहे हैं, और सिर्फ आप नहीं होते, आप मरहूम अपने बुजुर्गों को देख रहे होते हैं। आपने उनको कहां दफन किया था, कब दफन किया था? अब ये आए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हशाश बशाश लिबास पहने हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, मुजदा सुना रहे हैं। ये ख्वाब अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अज़बाब लुत्फ़ दिखाना शुरू किया, ताकि हिसारे ज़मानो मकान के अलावा किसी और आलम की तरफ तवज्जुह मबज़ूल हो जाए, ताकि तुम्हारी समझ में आए कि ज़मान का हिसार अलग है, दहर का आलम अलग है, सरमद का आलम अलग है। तवज्जो है, ज़मान, दहर, सरमद। और ख्वाब में मैंने कहा था दलील किस बात की कि 1000 मेंबर भी नस्ब हो तो हर मेंबर पर जिक्र करूंगा। कभी यह भी होता है कि कई अजीजों ने एक ही बुजुर्ग को एक ही वक्त में ख्वाब में देखा, ये वाकयात होते हैं, ये वाकयात हुए हैं, होते हैं, होते रहेंगे कि एक बुजुर्ग को उनके खानदान के कई अफराद ने एक ही वक्त में देखा, सब बेदार होके उठे। उनका अभी हमने फलां बुजुर्ग को ख्वाब में देखा था, ये कह रहे थे। दूसरा उठा, उन्होंने कहा हमने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा। तीसरा उठा, हमने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा। तवज्जो है, ये एक ही वक्त में एक बुजुर्ग इतने हजरात के ख्वाब में कैसे आ गए? इसके मानी है कि कोई आलम ऐसा है जहां अल्लाह ये कुदरत अता करता है कि एक वक्त में एक ही वजूद एक से ज्यादा मज़ाहिर पेश कर सके। अगर यहां तक ज़हन आ लिया कि अभी तक मंतिक और हिकमत और बुरहान और नकल सब साथ साथ चल रहे हैं, तो एक जुमला कहूंगा, जो साहिब जमा होगा, अजब नहीं कि वो इस हिसारे जमा में भी रहते हुए ये कैफियत उसमें हो कि एक वक्त में एक से ज्यादा मकामात पर मौजूद हो। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। दस्तरखान बिछाओ खुलूस के साथ, 40 जगह बुलाओ, कोई और नहीं आएगा, जो मालिक दहर है वो आ जाएगा। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जो इस जगह रहते हुए, इस जगह रहते हुए एक से ज्यादा मकामात पर आ जाए, और अब भी नहीं, तुम कहते हो 40 जगह नहीं आ सकते, मैं कहता हूं 4000, 4 लाख, 4 करोड़, 4 अरब जगह एक वक्त में पहुंचते हैं। जब सारी दुनिया से मोमिन पुकारता है या अली, हर पुकारने वाले की
मदद करते हैं मौला अली, इसलिए कि मालिक दहर हैं। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह हकीमाना हकायक है, नासिर जैदी की शायरी नहीं है। हकायक अर्ज कर रहा हूं, नाज करो कि किसे मौला बनाया है, हक ने तुम्हें सरफराज किया है, अली को मौला बनाकर, मुस्तफ़ा को मौला बनाकर। ये मुस्तफ़ा है, जब ये इस दुनिया में एक से ज़ायद मकामात पर आ सकते हैं, इस दुनिया में तो फिर हैरत की क्या बात है कि नबी अली को छोड़ कर गए थे तन्हा मेराज पर, वहाँ गए तो अली की आवाज़ गूंज रही थी। खुद जब पूछने वालों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपसे अल्लाह सुबहानहु व तआला ने किस ज़बान में गुफ्तगू की, तो कहा अली इब्न अबी तालिब। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। इस्लामी हिकमत पढ़ें, इस्लामी फ़लसफ़ा पढ़ें, क़ुरान पढ़ें, क़ुरानी कॉस्मोलॉजी पढ़ें, क़ुरान का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये टाइम की ट्रिलॉजी, ज़मान, दहर, सरमद। अभी आयत की तफसीर पूरी नहीं हुई ना, ये तालिबे मर जाएगा तब भी पूरी नहीं कर सकता। कलाम हक है, तफसीर तो वो पूरी करेंगे जो उसके तर्जमान हैं। मैं तो सिर्फ आपके जहन को कुरेद रहा हूँ, जमी हुई मिट्टी को गोड़ रहा हूँ, ताकि किसी काबिल हो जाए, हम लोग इस काबिल हो जाएं कि अनवार मानिए कुरान को जज्ब कर सकें। बस जब हम इनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो तबीयतें खिल उठती हैं, जब मसाइब पढ़ते हैं तो वो बारिश होती है गिरिए की, कि जो इस ज़रखेज़ी में इजाफा करती है। बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई, बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई, अब खुश्क ज़मीन पर अश्क बारी की ज़रूरत है। फ़ज़ाइल में अली अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा था, मुहम्मद रहमतुन लिल आलमीन का तज़किरा था, मसाइब में अली ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा। बस गुफ्तगू ख़त्म हुई, बस गुफ्तगू तमाम हो रही है। आप हज़रात अपनी तवज्जो मबज़ूल रखें। आप हजरात अपनी तवज्जोहात मबजूल रखें। अली ज़ैनुल आबिदीन, बस दो तीन फकरे कहूँगा, अब ताकत बिल्कुल नहीं है, अब ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, वक्त भी नहीं है। दूर दूर से आप हजरात तशरीफ लाए हैं, आप हजरात को परवरदिगार हिफ्ज़ो सलामती के साथ आपके घरों तक पहुंचाएं, आप सब पूरी हिफाजत से घरों तक पहुंचाएं, खुदा न करे कोई रास्ते में आपको कोई दुर्रा लगाए। आप, आपके बच्चे, आपके अहले हराम, आपके अहले बैत, सब परवरदिगार वास्ता है अहले बैत अथार का, इन्हें हिफाजत से इनके घरों तक पहुंचाना, उन अहले बैत का कि जो अपने घर हिफाजत से पहुंच ना पाए। आज रोज़े शहादत अली ज़ैनुल आबिदीन, आज आका की शहादत की तारीख है। अगर जो तकवीम हमारी चल रही है, जो कैलेंडर चल रहा है, उसमें कोई इश्तबाह नहीं है, तो आज 25 मुहर्रम, आज रोज़ शहादत मौला इमाम सज्जाद है। इमाम सज्जाद ने करबला के बाद पूरी उम्र बसर की, इमामत के तमाम फ़राइज़ अंजाम दिए, मगर आप क्या
शब और रोज़ का मामूल ये रहता था कि हमेशा गिरिया फरमाते रहते। हजरत को मुस्कुराते हुए किसी ने नहीं देखा। आपने भरपूर ज़िंदगी बसर की, कुरान की तालीम देते थे, हदीस की तालीम देते थे, फ़िक्र की तालीम देते थे, अख्लाक की तालीम देते थे, मारिफ इलाहिया बयान करते थे, दुआ का सलीका सिखाते थे, हुकूक़ बयान करते थे। आपकी तसनीफ़ है रिसालतुल हुकूक़। आज दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है, आका ने उस ज़माने में पूरा मकाला पूरी किताब राइट्स के ऊपर लिखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ बोथ, दोनों मौजूआत पर। फिर दुआएं हैं जिसमें इलाहियात का ठाठे मारता हुआ समंदर है। आका ने सब कुछ किया मगर कभी किसी ने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्यों मुस्कुराते हुए नहीं देखा? कल मैंने जहाँ गुफ्तगू ख़त्म की थी बस वहीं से शुरू कर रहा हूँ। कुछ मनाजिर ऐसे देखे थे ना सैयद सज्जाद की निगाहों ने, जो कभी आप भुला ना सके, कभी आप फरामोश ना कर सके। बाबा को इस कैफियत में देखा था, जलती हुई रेत पर घोड़ों की टापों से पामाल किया हुआ बाबा का लाशा, कि आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन के सीने की हड्डियां पसलियां टूट टूट के चूर चूर हो गई। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। आपकी आंखें किसी और मुसीबत में अश्कबार न हो। सरकार को ये गम कभी भुला न सके, ये मंजर भुला न सके। इसीलिए आपने अपनी वसीयतों के बाद कहा था अपने बच्चों से कि मुझे ज़मीन पे लेटा दो। जब बच्चों ने कहा आका जिस्म लागर है, नहीफ है, जहर का असर पूरे जिस्म में है, आका बाबा आपके लिए बिस्तर आरामदेह है, कहा नहीं मुझे ज़मीन पे लेटा दो। जब ज़मीन पर लेटाने लगे कहा ये फर्श हटा दो, मुझे खाक पे लेटा दो। मैं चाहता हूँ बाबा की मुसीबत में इतना सा शरीक तो हो जाऊँ कि आखिरी वक्त में मेरा जनाजा खाक पर हो, मेरा रुखसारा खाक पर हो। अजरकुम अल्लाह। फिर भी दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा, आका आका आप कहाँ तक आका हुसैन की मुसीबतों में शरीक हो सकते हैं? बहरहाल आपके बेटे मौजूद हैं, इमाम वक्त मौजूद हैं, अस्हाब मौजूद हैं, अंसार मौजूद हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। रिवायत में है, तारीख में है, मदीने में इतना अजीम शान मजमा किसी के जनाजे में नहीं हुआ था जितना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जनाजे में हुआ। आपका जनाजा उठाया गया पूरे एहतराम से, पूरे एहतमाम से, मगर ये कहते हुए भी जबान को लुकनत होगी मैं किससे कह रहा हूँ। मैं जब कहूँगा आका आपका जनाजा एहतमाम से उठाया गया, आका के दिल का जख्म ताज़ा हो जाएगा। अरे यही तो गम है, मेरे बाबा का जनाजा एहतमाम से नहीं उठाया। बाबा पे वारिद होने वाली मुसीबतें कभी इमाम भुला ना सके। इसीलिए एक एक वाकया ताजा रहा निगाहों के सामने, पलकों पे मंजर सजा रहा। इसीलिए अहले मदीना ये एहतमाम करते थे, जब इमाम सज्जाद घर से निकलते थे तो कसाब अपनी दुकानों पे पर्दे डाल देते थे। कहते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ कि कसाब की नज़र नहीं पड़ी, उसकी निगाह नहीं पड़ी कि आका तशरीफ़ ला रहे हैं, फर्जंद रसूल, इमाम वक्त, इमाम हुसैन का बेटा आ रहा है, अली ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है, नज़र नहीं पड़ी। और गोसफंद के कटे हुए सर रखे रहे, इमाम जब करीब आए एक मरतबा नज़र पड़ी, चेहरे का रंग बदल गया। कहते हैं आप ज़मीन पर कमर थाम कर ज़मीन पर बैठ गए। उसने देखा कयामत आ गई। एक मर्तबा आया, सर से अपने अमामा उतारा और आका के
कदमों पे रख के माफी मांगी, आका माफ कीजिएगा मेरी नजर नहीं पड़ी। आपने कमाल शफकत के साथ फरमाया नहीं, ला अलैक, तेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर। ये तो मेरी कैफियत रहती है, मगर इतना बता दे, इन गोसफंदों को ज़बह किया था तो इन्हें आबो दाना दिया था या नहीं दिया था? उसने कहा आका, हम कभी कोई गोसफंद ज़बह नहीं करते जब तक उसे सेराब न कर ले। आपने फिर कहा वाह हुसैना, मेरा बाबा फरजंदे रसूल, प्यासा ज़बह किया गया,